नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं टेक्निकल एनालिसिस की पार्ट 19 वीडियो, जो कि रिलेटेड है राउंडिंग टॉप से। अब हम इसमें देखेंगे कि राउंडिंग टॉप पैटर्न क्या होता है और राउंडिंग टॉप पैटर्न मार्केट में कब फॉर्म होता है, ये कौन से ट्रेंड में होता है, इसका स्टॉप लॉस कहाँ रखा जाता है, इसकी एंट्री कहाँ होती है, टारगेट वगैरह क्या होता है, तो मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। उससे पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिएगा कि आने वाली वीडियो आपको जो है सबसे पहले मिल जाए। देखिए, मैं अपने चैनल पर इस तरह की जो है, देखिए सारे चार्ट पैटर्न की अभी मैं वीडियो लेकर आ चुका हूँ, अभी कुछ चार्ट पैटर्न की वीडियो बाकी है, वो भी बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाएंगी। इसके बाद जो है देखिए कैंडल एनालिसिस की सीरीज चालू होने वाली है, उसके बाद ऑप्शन की सीरीज चालू होगी। सो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोग के लिए बहुत काफी यूजफुल चैनल है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज। तो चलिए हम शुरू करते हैं राउंडिंग टॉप पैटर्न क्या होता है। तो राउंडिंग टॉप पैटर्न देखिए क्या होता है, राउंडिंग टॉप पैटर्न देखिए एक ये अप ट्रेंड में बनता है। सबसे पहले जो हमको रूल नंबर वन फॉलो करना है वो ये फॉलो करना है कि इसको हमने हमेशा अप ट्रेंड में देखना है, इसको कभी भी हमने डाउन ट्रेंड में फोकस नहीं करना है। तो जैसा आप यहां पर पिक्चर में देख सकते हैं कि यहां देखिए क्लियर कट एक अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड आने के बाद जो समझ लीजिए ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया जो बन जाता है, तो यहां पर पैटर्न जो है, ये जो कैंडलें हैं ये एक राउंड शेप में जो है बिहेव करती हैं, इस तरह से आपको जो है दिखाई देंगे। लुक लाइक आपको जैसे ये एक आधा चंद्रमा, हाफ मून इसको कह सकते हैं, इसको हम हाफ मून पैटर्न भी कहा जाता है। सो हम इसको राउंडिंग टॉप पैटर्न जो है लेके चलेंगे। तो ऊपर जो है मतलब एक ये जो उल्टा मून की तरह ये जो है इसकी शेप बन जाती है, और नीचे एक इसकी नेक लाइन होती है जहां से मार्केट ऊपर आने के बाद एक बार फिर सपोर्ट लेकर फिर ऊपर की तरफ निकलता है। तो जब मार्केट दोबारा आकर वहां पर भी फिर दोबारा सपोर्ट लेता है, या मे बी 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स भी यहां पर जो है सपोर्ट ले सकता है, तो ये जो है हमारी नेक लाइन हो जाती है। मेरे ख्याल से आप लोगों को नेक लाइन के बारे में बहुत अच्छे से पता चल चुका होगा, क्योंकि हमने जो पिछले लास्ट वीडियो बनाई है उसमें कई ऐसे चार्ट पैटर्न थे जिसमें हमने नेक लाइन का यूज किया था, और उसको उसके बारे में आपको पता भी लगा होगा कि किस तरह से हमने इसमें ट्रेड लेना है। तो इसमें भी आपको बता देता हूं, देखिए जब यहां पर एक कैंडल इस नेक लाइन के नीचे क्लोज करती है, कोई भी मतलब वो बियरिश कैंडल होनी चाहिए, क्योंकि दिस इज अ ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है, ये कोई कंटिन्यूएशन पैटर्न नहीं है कि अप ट्रेंड में चल रहा है और कंटिन्यू ये पैटर्न बनने के बाद फिर अप ट्रेंड में चलेगा, नहीं, ये एक कंटिन्यू चलने वाला पैटर्न नहीं है। ये एक अब इस पैटर्न के बनने के बाद ट्रेंड यहां से रिवर्स हो जाता है, जो भी यहां पर बाजार में खरीदार हैं, जो भी बायर हैं, अब यहां पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और नए सेलर यहां पर जो है एक्टिवेट होते हैं। सो मार्केट इस पैटर्न बनने के बाद बहुत तेजी से नीचे की तरफ मूवमेंट करती है, जैसा कि हमने हेड एंड शोल्डर और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न में देखा था। तो ये उस तरह से बिहेव करती है, जब यहां पर ब्रेकआउट होता है तो यहां पर बहुत तेजी से गिरावट होती है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और देखिए इस तरह से बिल्कुल शेप जो है ना ऊपर ऊपर की जो शेप होगी, बिल्कुल एक समझ लीजिए हमने कोई घड़ा उल्टा करके रखा हुआ है उस तरह की शेप हो जाती है, या फिर कोई बर्तन, कोई यूटेंसिल्स, हम कोई बर्तन कह सकते हैं, इस तरह से उल्टा करके रखा हुआ है, और ये बर्तन का मुंह है नीचे की तरफ। और जैसे ही बर्तन के मुंह के नीचे थोड़ा सा पानी गिरा तो पानी बहुत तेजी से गिरेगा, आप इसको एज ए एग्जाम्पल के तौर पर लेकर चल सकते हैं। अब देखिए यहां पर जो पॉइंट दे रखे हैं, टू यहां पर जैसे 2 नंबर दे रखा है, यहां पर 3 नंबर, तो 2 से 3 तक जो भी गैप है ये हमारा टारगेट होता है। ओके, जैसे यहां पर ये 5 नंबर में आपको टारगेट दिखाया गया है, और स्टॉप लॉस आपको यहां पर 2 नंबर में, यहां पर रेड कलर में जो 2 नंबर शो करके रखा हुआ है, आप यहां पर जो है स्विंग हाई पर अपना स्टॉप लॉस रखिए, यहां पर आपकी एंट्री होगी इस कैंडल के बिलो। तो चलिए मैं आपको जो है इसको थोड़ा प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं कि किस तरह से ये चार्ट पैटर्न बनते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर ड्राइंग के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पर समझ लीजिए एक यहां पर एक ये अप ट्रेंड चला आ रहा है नीचे से, ये अप ट्रेंड कंटिन्यू एक अप ट्रेंड चला आ रहा है। अब यहां पर क्या होता है, मार्केट जो है इस तरह से बिहेव करती है, और ये समझ लीजिए अब आपका, मैं आपको बता दूं, ये आपकी समझ लीजिए ये आपकी नेक लाइन हो जाती है, यहां पर ये आपकी नेक लाइन हो जाएगी। उसके बाद जो ये पैटर्न ऊपर से देखिए एक राउंड शेप, उल्टा राउंड शेप जो बनाता है, तो ये हमारा जो है राउंडिंग टॉप पैटर्न हो जाता है। अब यहां से देखिए हमारा, हमने इसको
ये हमारे नेकलाइन हमने इसको ड्रॉ कर दी है और ये पैटर्न कुछ इस तरह से होना चाहिए कि आपको जो है उल्टा कप समझ लीजिए, आपने रखा हुआ है उल्टा कप या उल्टा घड़ा है कुछ भी समझ लीजिए, मतलब ऊपर जो है राउंडिंग शेप होनी चाहिए। उसके बाद यहां पर जहां ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद यहां पर जो कैंडल क्लोज करेगी वहां पर आपकी एंट्री होनी चाहिए। जहां पर भी कैंडल क्लोज करती है, नेक्स्ट कैंडल उसको ब्रेक करे वहां पर आपकी एंट्री होती है। और यहां पर कोई भी स्विंग लो स्विंग हाई यहां पर लगा हुआ है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। और इस नेक लाइन से लेकर के ये ऊपर का जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ये पूरा गैप इसका सेंटर में, सेंटर से देखना है, कहीं हमको साइड या आजू बाजू से नहीं देखना है। तो यहां सेंटर में जितना भी गैप होगा ये हमारा टारगेट होगा। तो चलिए मैं आपको जो है कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं जो कब कब ये पैटर्न बने थे। मैं आपको अभी दिखाता हूं इन्फोसिस का चार्ट। तो इन्फोसिस के चार्ट में ये बना था और मैं ये आपको 1 आवर के चार्ट में दिखाने जा रहा हूं। तो अगर आपको देखना होगा तो 1 आवर के चार्ट में आप जो है जाकर स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए अभी मैं इसको पीछे कर रहा हूं और अभी हमारा चार्ट जो है यहां पर दिखाई देगा। यहां देखिए अब मैंने यहां पर 1 आवर का चार्ट खोला हुआ है और ये हमारा राउंडिंग टॉप जो है पैटर्न हमारे सामने है यहां पर। अब सबसे पहले यहां पर देखिए, जो मैं आपको पहले कहने की कोशिश कर रहा हूं, हमको एक क्लियर अप ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। ये हमको एक अप ट्रेंड चाहिए, मतलब ये पैटर्न हमने अप ट्रेंड में ही ढूंढना है, बिकॉज ये जो है ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है। सो हमने इसको जो है अप ट्रेंड में ही देखना होता है। तो अब यहां पर देखिए अप ट्रेंड था, एक सीधा कंटिन्यू अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड के बाद यहां पर देखिए एक इसने राउंडिंग पैटर्न बनाया। अब एक चीज मैं आपको यहां पर एक स्ट्रेटजी एक समझ लीजिए, यहां पर मैं आपको और बताना चाहता हूं कि कभी भी राउंडिंग टॉप पैटर्न बनते हैं तो वो ज्यादातर आप उसमें 90% केस में देखेंगे कि वहां पर जो है डबल टॉप और ट्रिपल टॉप पैटर्न वहां पर ज्यादातर फॉर्म होते हैं। तो इस चीज का आप जो है ध्यान रख सकते हैं, डबल टॉप और ट्रिपल टॉप पैटर्न वहां पर ज्यादातर फॉर्म होते हैं। जैसे अगर हम यहां पर भी देखें तो हमको एक ट्रिपल टॉप पैटर्न यहां पर दिखाई देगा। तो ठीक है, तो ये हमारा जो है देखिए एक राउंडिंग टॉप पैटर्न हो गया, ये हमारी नेक लाइन हो गई। अब देखिए मार्केट ने 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम और फाइनली 4th टाइम यहां पर ब्रेक किया हुआ है। तो ये समझ लीजिए जो इसका सपोर्ट बार बार जहां पर ले रहा था ये हमारी नेक लाइन हो जाती है। इसके बीच के सेंटर से हम देखेंगे इसका विड्थ कितना है, तो इसके जो भी गैप होगा ये हमारा टारगेट हो गया। अभी हम यहां पर इसमें चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूं और आपको बताता हूं। यहां पर देखिए अब यहां पर एंट्री हमारी कहां पर है, एंट्री अभी यहां पर हमारी एंट्री होगी कहीं, चाहे आप यहां पर भी एंट्री ले सकते हैं। अगर अभी हम यहां पर एंट्री ले रहे हैं तो फिलहाल हमारा स्विंग लो यहां पर है, और यहां पर अगर हम एंट्री ले रहे हैं तो हमारा स्विंग लो यहां पर है। तो आपको ये देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि अब हम हमारी एंट्री यहां पर हो चुकी है, यहां पर एंट्री हो चुकी है। तो यहां पर हमारा ये जो है देखिए स्टॉप लॉस हमारा ऊपर की तरफ ये स्टॉप लॉस है, और ये जितना गैप है ये गैप हमारा टारगेट है। तो चलिए आइए हम देख लेते हैं कितना हमारा गैप है। ये 755 और नीचे की तरफ जो है ये है 690, तो हमारा 65 रुपीज का हमारा टारगेट है यहां पर। तो यहां पर देखिए जो कैंडल, यहां पर कैंडल ने ब्रेक किया, ब्रेक होने के बाद जब इसका लो ब्रेक हुआ कैंडल का तो हमारी यहां पर एंट्री हो गई। एंट्री होने के बाद 65 पॉइंट का हमारा यहां पर टारगेट था, 65 पॉइंट। अब यहां पर देखिए 692 हमको यहां पर देखिए 597, तो हमको यहां पर नियर अबाउट 90 प्लस हमको यहां पर टारगेट मिल गया। हमको हमारे जो टारगेट से ज्यादा यहां पर मार्केट ज्यादा डाउन साइड गई है, तो हमारा यहां पर टारगेट इजिली अचीव हो गया। तो चलिए मैं आपको अगला जो है चार्ट पैटर्न दिखा देता हूं। अगला चार्ट पैटर्न मैं आपको दिखाता हूं अडानी पावर में। तो अडानी पावर में ये चार्ट पैटर्न बना था। देखिए ये जो मैं आपको दिखाता हूं समझाता हूं यहां पर, इसको आप जो है अपने चार्ट में इम्प्लीमेंट करिए, इसको ट्राई करिए, सीखिए। देखिए जब तक आप इम्प्लीमेंट करना नहीं जानेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक जो है यहां पर जो है आप चार्ट पैटर्न को जो है पहचानना सीखने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है आपको। अडानी पावर में शायद ये नहीं है, तो चलिए मैं आपको दूसरे में दिखाता हूं। टीसीएस में था ये, टीसीएस में आपको मैं यहां पर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये मैंने टीसीएस का चार्ट यहां पर खोल रखा है। तो अब देखिए ये टीसीएस को मैं अभी पीछे कर रहा हूं, हम इसकी बैक टेस्टिंग करते हैं। बैक टेस्टिंग में हमको जो है ये देखिए यहां पर मैंने ये ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो ये देखिए ये टीसीएस का चार्ट मैंने खोला हुआ है। उससे पहले अगर आप देखेंगे कि ये देखिए कंटिन्यू एक अप ट्रेंड है, अब ट्रेंड के बाद जब ये पैटर्न बनता है तो वो ट्रेंड जो है रिवर्सल होता है। तो यहां पर देखिए इसके बाद ट्रेंड रिवर्स हो गया। अभी यहां पर देखिए हमको एक राउंडिंग शेप में देखिए यहां पर भी टच कर रहा है, यहां भी टच कर रहा है, यहां भी टच कर रहा है। तो मतलब इस ये भी हमारा एक जो है राउंडिंग टॉप पैटर्न ये हमारा हो गया है।
तो अब यहां पर स्टॉप लॉस देखिए, एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट, देखिए ये चीजें किसी भी पैटर्न में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एंट्री आपको पता ही है कि यहां पर एक कैंडल, यहां पर देखिए गैप डाउन ही ओपन हो चुका है, तो समझ लीजिए यहां पर हमारी एंट्री हो जाती है। ओके, स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस यहां पर जो भी स्विंग हाई लगा हुआ है, अब ये स्विंग हाई लगा हुआ है, देखिए कुछ लोगों का कहना है कि आप जो है जो कैंडल ब्रेक करती है नेक लाइन को, आप उसके ऊपर स्टॉप लॉस रखिए, देखिए वो रिस्की हो सकता है, ठीक है ना। मैं आपको जो है सुझाव नहीं दूंगा, ऐसा कोई एडवाइस नहीं करूंगा कि आप उसके ऊपर स्टॉप लॉस रखिए जो कैंडल ब्रेक करती है। मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप जो है अपना स्टॉप लॉस जो है यहां पर रखिए जो स्विंग हाई लगा हुआ है, अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं, ठीक है ना। देखिए हम मार्केट में पैसे कमाने के लिए आते हैं, ना कि लूज करने के लिए। सो देखिए स्टॉप लॉस चाहे हमने थोड़ा सा बड़ा रख दिया है, पर हमको जो है हम फुल कॉन्फिडेंस है कि वो स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं होगा। और यहां पर टारगेट हम अगर देखने की कोशिश करेंगे तो इसका जो गैप है, ये गैप ऊपर से जो है 2270 रुपए का है और नीचे का जो डाउन लगा हुआ है वो 2040 रुपए का। तो हम यहां पर देखेंगे 230 पॉइंट का हमारा जो है टारगेट है, तो 230 पॉइंट का हमारा टारगेट है। तो हम यहां पर देखते हैं 230 पॉइंट का टारगेट, ये देखिए यहां पर हमको 242 का टारगेट हमको यहां पर मिला है। तो यहां पर भी आपने देखा कि बड़े आसानी से टारगेट अचीव हुआ है। अगर मैं इसको आगे करूं तो यहां पर टारगेट तो और लंबा मिला था, यहां पर देख सकते हैं। बट देखिए हमारा जहां पर टारगेट आ गया, हमने वहां पर 90% क्वांटिटी बुक कर लेनी है या 80% क्वांटिटी बुक कर लेनी है, उसके बाद हमने सिर्फ ट्रेल करना है। ओके, ट्रेलिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप कंटिन्यू ट्रेल करते हैं तो आप यहां से एक बड़ा प्रॉफिट लेकर जा सकते हैं। अगला चार्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा टाइटन का। तो टाइटन में भी ये जो पैटर्न बना था, बहुत खूबसूरत पैटर्न बना था, तो मैं टाइटन का चार्ट यहां पर खोल रहा हूं। तो अब यहां पर देखिए शायद हमारे सामने ही आ चुका है, ये देखिए मैंने यहां पर अभी टाइटन का चार्ट खोला हुआ है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, यहां पर देखिए अब शायद पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। ये देखिए अब यहां पर हम कह सकते हैं ये एक जो है उल्टा मून है, उल्टा चांद है, उल्टा बर्तन है या उल्टा घड़ा रखा हुआ है। देखिए चार्ट पैटर्न ये आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है, ये आपको हमेशा जो है टॉप पर ही मिलेगा। ओके, तो हम यहां पर देखेंगे, यहां से अगर ये देखने की कोशिश करिए, यहां से नीचे से कंटिन्यू एक अप ट्रेंड है, यहां से देखेंगे हम, ये देखिए कंटिन्यू एक अप ट्रेंड है। ओके, ये अप ट्रेंड के बाद हमको यहां पर ये राउंडिंग टॉप पैटर्न हमको यहां पर मिला है। तो राउंडिंग देखिए कभी भी आपको अगर ये पैटर्न ढूंढना है तो आपको टॉप पर जाकर ढूंढना होगा, ऐसा नहीं है कि इन बिटवीन ट्रेंड के बीच में आप कहीं पर वो पैटर्न ढूंढ रहे हैं तो वो पैटर्न वहां पर मत ढूंढिए। ये हमेशा पैटर्न टॉप पर बनता है, बिकॉज टॉप पर इसलिए बनता है बिकॉज ये जो है ट्रेंड रिवर्स कर देता है। अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड में ये जो है ट्रेंड को रिवर्सल कर देता है, और जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न होते हैं वो डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड चल रहा होता है एक कंटिन्यू, और जहां पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनते हैं वहां से जो है एक अप ट्रेंड की शुरुआत हो जाती है। अब यहां पर देखिए यहां पर क्या होता है, यहां जो बायर होते हैं, बायर की यहां पर जो है बाइंग कैपेसिटी यहां पर कम हो जाती है या खत्म हो जाती है, और यहां पर जो अच्छे अच्छे जो मतलब बड़े ट्रेडर हैं, जो स्मार्ट ट्रेडर हैं, वो यहां पर कभी भी बाइंग नहीं करेगा, वो यहां पर अपना सारा माल बेचकर निकलने की कोशिश करता है जो भी स्मार्ट ट्रेडर है यहां पर। और जो यहां पर बीच में फंस चुका है उसके सामने भी ये पैटर्न उसको दिखाई दे रहा है, वो भी यहां पर माल बेचने की कोशिश करता है, वो भी अपना माल यहां पर बेचता है। और तीसरे वो ट्रेडर होते हैं, कुछ इंट्राडे के होते हैं, कुछ पोजिशनल के भी होते हैं, जो यहां पर क्लियर कट सेलिंग करते हैं। और आप कभी भी ये पैटर्न अगर देखेंगे तो यहां पर जो सेलिंग आती है, जो यहां पर ब्रेकआउट कैंडल के बाद जो सेलिंग आती है, वो सेलिंग जो है काफी पैनिक सेलिंग होती है। जैसा कि आपने यहां पर देखा कि ये जो कैंडल बनी हुई है, एक कैंडल है जिसने ब्रेकआउट किया, अब इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, इस कैंडल का जो लो लगा वो लगा 1190 रुपए का। अब 1190 के नीचे जब कैंडल, जब प्राइस 1190 के नीचे निकलेगा, फिर वहां पर हमारी एंट्री होगी, मीन्स 1188 पर हो सकती है, 1187 पर हो सकती है, और टारगेट हमने सेम यही रखना है। अब यहां पर हम देखेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस कहां पर है, तो स्टॉप लॉस यहां पर देखिए स्विंग हाई यहां पर है हमारे पास, तो यहां पर बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था हमारे पास। स्टॉप लॉस अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो 1185 से 1085 से लेकर के ये हमारा स्टॉप लॉस जो है 1215 रुपए का। तो हमारा यहां पर 30 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था, और अगर हम टारगेट देखें तो टारगेट हमारा 1340 रुपए और नीचे है 1140 रुपए, तो 100 पॉइंट का हमारा
यहां पर टारगेट है। यहां पर देखिए हमको 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमने रखा है और 100 पॉइंट का हमारा टारगेट है। अगर हम इसको कहें तो 1:2.5 का हमारा यहां पर रिस्क रिवार्ड रेशियो है। देखिए ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न बहुत अच्छा टारगेट दे करके जाते हैं। अगर आप जो है आपकी आंखें इनको कंटिन्यू जो है आइडेंटिफाई करना सीख गई, ये ट्रेंड हो चुकी हैं आंखें आपकी, तो आप बहुत अच्छा पैसा यहां से बनाएंगे। तो देखिए यहां पर अब टारगेट अगर हम 100 रुपए की बात करें, 100 पॉइंट का टारगेट है, तो यहां पर 1140 से लेकर के ये जो मार्केट नीचे आई है 718 तक, तो 1140 और 718 आप देख लीजिए कि हमने 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के हमने यहां पर जो है 250 प्लस का जो है यहां पर अगर हम ट्रेलिंग कंटिन्यू करते तो यहां पर प्रॉफिट ले सकते थे। 1:7-8 टाइम्स का ये जो रिस्क रिवार्ड रेशियो हो गया। सो ये जो पैटर्न होते हैं प्रोफेशनल के जो फेवरेट पैटर्न होते हैं ये सब, क्योंकि यहां पर स्टॉप लॉस बड़े छोटे होते हैं। और एक चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि यहां पर अगर आपको मार्केट सस्टेन करती हुई दिखे, जैसे ये देखिए मैं आपको ड्राइंग के थ्रू बताता हूं, जैसे मान लीजिए यहां पर राउंडिंग टॉप पैटर्न बन चुका है और मार्केट यहां पर इस तरह से सस्टेन हो रही है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा दूर तक नहीं होनी चाहिए, एक दो हायर हाई और लो बनाने चाहिए, तो यहां पर इस तरह का अगर पैटर्न बनाती है तो हमने क्या करना है, हमने इसको जो है एक रेक्टेंगल टाइप के पैटर्न में इसको कन्वर्ट करना है। जैसे ये रेक्टेंगल टाइप का पैटर्न अभी ये हो गया, और रेक्टेंगल टाइप के पैटर्न में क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो आप जो है जाकर मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है रेक्टेंगल टाइप का पैटर्न क्या होता है, कैसे ट्रेड किया जाता है। तो अब देखिए अगर हमको ऐसा सिनेरियो यहां पर मिलता है तो ये हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न में आ जाएगा, ओके, ये हमारे कप एंड हैंडल पैटर्न में इसको हम कंसीडर करेंगे और स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखकर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आपने यहां पर देखा कि हमने यहां पर 40 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर के हमने यहां पर 710 और 1140, तो नियर अबाउट 350 प्लस 400 के नियर अबाउट हमने यहां पर प्रॉफिट लिया 40 रुपए का स्टॉप लॉस रख के, मींस 1:10 के नियर अबाउट का हमारा यहां पर रिस्क रिवार्ड रेशियो हो गया। सो देखिए आप जो है इसकी प्रैक्टिस करिए राउंडिंग टॉप पैटर्न की। इसके बाद की जो वीडियो मैं आपको बनाकर देने वाला हूं वो है राउंडिंग बॉटम पैटर्न, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि उसमें किस तरह से ट्रेड करते हैं, कहां पर स्टॉप लॉस रखते हैं, कहां पर टारगेट रखते हैं और कहां पर हमारी एंट्री होती है, उसको उसके बारे में भी आपको बहुत विस्तार पूर्वक मैं आपको बताऊंगा। सेकंड, अगर आप हमारे सपोर्ट ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है अलाइस ब्लू का, आप उस लिंक के थ्रू जाकर जो है अलाइस ब्लू में अकाउंट खोलिए, उसके बाद आपको जो है इंट्राडे ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। इंट्राडे उसमें जो है देखिए आपको यहां पर अकाउंट खोलने के बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं, आपको यहां पर जो है क्लासेस मिलने वाली हैं, वेबिनार मिलने वाले हैं, मेरी अगर आप मेरे को मेरी जो है ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको 10% के वहां डिस्काउंट, मतलब काफी कुछ आपको यहां पर मिलने वाला है। सेकंड, अगर आप जो है हमारा जो है टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहां से जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर ऑलरेडी 65,000 जो है मेंबर्स वहां पर जुड़े हुए हैं। वहां पर देखिए आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, इस तरह के चार्ट पैटर्न देखने को मिलेंगे, आप जो है उस चीजों को देखकर सीख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए ठीक है, चार्ट को जो है मतलब इंप्लीमेंट जरूर करिएगा अपने चार्ट में, सीखिए प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।